हेलो नमस्ते आदाब एंड सत श्री अकाल। टुडे शेयर विद यू बीटरूट चुकंदर सब्जी विद मेथी लीव्स, 3 मीडियम साइज ग्रेटेड बीटरूट, 1 छोटी गड्डी मेथी चॉप की हुई, मूंग दाल छोटा बाउल। इसको मैंने क्या किया, 4 से 5 घंटे के लिए भिगो के रख दिया, फिर पानी अलग कर दिया, दाल अलग कर दी, सांबर मसाला एंड गरम मसाला पाउडर, मस्टर्ड सीड्स, सिनेमन स्टिक, सॉल्ट स्वाद अनुसार एंड देसी घी। पैन लिया है, इसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच देसी घी डाला। जब देसी घी गर्म हो गया उसके बाद मैंने इसमें मस्टर्ड सीड्स एंड सिनेमन स्टिक डाल दी। अब हम इसमें थोड़ा सा हींग भी ऐड कर देते हैं, अगर आप हींग ऐड करना चाहते हैं तो। अब हम इसमें ये बीटरूट डाल देंगे। बीटरूट डालने के बाद इसको हम अच्छे से कुक कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देते हैं। अब इस बीटरूट को हम 3 से 4 मिनट तक अच्छे से भून लेंगे। 3 से 4 मिनट हो गए, अब हम क्या करेंगे, इसमें ये मूंग दाल ऐड कर देंगे। मूंग दाल ऐड करने के बाद इसमें हम ये मेथी लीव्स भी डाल देंगे और अच्छे से इन सबको मिक्स कर लेंगे हम। ये हमारा अच्छे से मिक्स हो गया। अब हम इसको कवर कर देंगे और इसको तब तक कुक करना है जब तक हमारी दाल सॉफ्ट हो जाती है। 10 मिनट के बाद हम इसका कवर निकाल के चेक कर लेंगे हमारी दाल सॉफ्ट हुई या नहीं। ये देखिए हमारी दाल सॉफ्ट हो चुकी है और इसमें पानी भी बिल्कुल सूख गया है। तो ये हमारी बीटरूट की सब्जी बनके रेडी हो गई है। अब हम इसमें सांबर मसाला एंड गरम मसाला ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करना है। बीटरूट सब्जी विद मेथी लीव्स बनके रेडी हो गई है। मैंने इसको ग्रेटेड पनीर से गार्निश किया है। जब हम इस सब्जी को खाएंगे तो इसमें हम लेमन जूस ऐड कर सकते हैं। इस सब्जी को, बीटरूट सब्जी को हम रोटी एंड पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक यू।